यहाँ पे ब्रिज बना रखा है। तो हे गाइस, वेलकम टू द हमारे इस नदर ब्लॉग। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में हमारे साथ कोई भी पैलेस वगैरह आएगा देखने के लिए तो वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और जो मेरा मोटिव है इस ब्लॉग में वो आपको मैं वहीं पे जाके बताऊंगा कि मेरे इस ब्लॉग को जो शूट कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को बनाने का कारण क्या था, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से, घर से, ठीक है। हम तीनों जा रहे हैं, आपको पता ही होगा हम तीनों कौन है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी हम फ्रेश फ्रूश हो चुके हैं, अच्छे से तैयार वगैरह हो चुके हैं। देखो भाई, हम अच्छे से फ्रेश हो चुके हैं, ठीक है। और अभी यहाँ से निकलते हैं। वो अभी टाइम हो रहा है सुबह के जो 9 बज रहे हैं। तो और सुबह का मौसम देख सकते हो, बहुत ही सुहावना मौसम जो हो रहा है, बारिश वगैरह चलती रहती है आजकल, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इस ब्लॉग में बने रहना, आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे इस ब्लॉग में चीज़ें दिखाने वाला हूँ। मतलब पुरानी चीज़ें भी होंगी, कुछ आपके लिए यादगार होंगी और कुछ उन चीज़ों को बारे में आपको बताना भी होगा। ओके गाइस, तो अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से घर से, ठीक है। फिर आपको मैं वहीं पे जाके मिलता हूँ। ओके, तो चले, लेट्स गो। कह दो ना हमें आज, तो दे दो ना एक बात, तो छेड़ो ना। तो दोस्तों, हम रुके थे यहाँ पे पानी पीने के लिए, ठीक है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे जो हम इसको ट्यूबवेल भी बोलते हैं और मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कितना ही सुंदर व्यू आ रहा आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और कहीं किसी किसी में होता है, मतलब एक ही मतलब का वो बना होता है, ठीक है, उसी में से पानी गिरता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे देखो 4 स्पेरोस के यहाँ पे जो है मोरे निकाल रखे हैं और उनमें से पानी गिर रहा है, जैसे मतलब नदी में से या झरने में से गिरता हो। कितना ही सुंदर प्यारा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखा दूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पानी पीते हैं और पानी पी के आगे की ओर चलते हैं। ओके गाइस, बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाना लोचा हो गया हमारे साथ। तो गाइस, हमने क्या करा, यहाँ पे शॉर्टकट लेना था, ठीक है। यहाँ से शॉर्टकट होता है, ठीक है। और क्या हो गया, यहाँ पे देखो पानी, हमें पता नहीं था कि नदी इतनी फुल चल रही है। और देखो गाइस, अभी रास्ता तो छोड़ो, यहाँ पे पूरा आपका पूरा पानी ही पानी दिख रहा है, जिधर देखोगे पानी पानी है। और रास्ते का तो पता ही नहीं चला, यहाँ पे पुल बनी हुई थी, पुल तो दिख ही नहीं रही कि पुल कहाँ पे है, ठीक है। ये भाई लोग भी खड़े हैं इधर, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और चलो, अभी हमने शॉर्टकट मारा था कुछ, हमारा मतलब तो कुछ रास्ता कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर हमें बैक साइड जाना पड़ेगा। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है, ठीक है। फिर वहाँ से होते हुए फिर वहाँ से जो मेन रोड पकड़ेंगे और फिर वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा जहाँ पे मैंने जाना है। ओके गाइस, तो चलते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं राजकनार की नहर पे, जिसके लिए हमने व्लॉग बनाना था। तो फिलहाल आपको यही दिखानी थी। अभी हम तीनों जने आ चुके हैं राजकनार की नहर पे और आपको दिखाता हूँ, नहर के बारे में बताऊँगा और इस नहर के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। देखो गाइस, कितनी ही बड़ी नहर है, ठीक है गाइस। देखो ये जस और ये चिंता नाच रहा है। और देखो इसकी जो है चौड़ाई लगभग मेरे हिसाब से 100 से ऊपर ही होगी। और इसकी जो गहराई है वो मेरे हिसाब से होगी 90 से ऊपर है, 90 फीट से कुछ ऊपर है, ठीक है। और ये देखो गई कितनी चौड़ी और कितनी ही, अभी मैं आपको गहराई तो दिखा नहीं सकता लेकिन इसकी चौड़ाई दिखा सकता हूँ। देखो कितनी ही गहरी चौड़ाई है। इसके लिए हमने व्लॉग बनाना था बट आपको दिखा दिया। अब हम वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पे उसकी जो ट्रेन की पटरी है ना, उसकी जो पुल है वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये है, आपको दिख रहा होगा अभी, वहाँ से ट्रेन निकलती है, ठीक है। वहाँ से ट्रेन निकलती है, उसकी जो पुल बनी हुई है, अब आपको मैं वहाँ पे लेके जाता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन होते हैं। ओके गाइस, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस, ये वाला व्लॉग बनाने का हमारा यही मकसद था कि हम आपको जो है इस नहर के बारे में बताएं, और इसलिए आए थे कि हमने वीडियो शूट करनी थी। और देखो गाइस, पीछे नहर का कितना ही सुंदर व्यू आ रहा है, देखो गाइस, ठीक है।
और बहुत ही ज़्यादा सबसे खौफनाक नहर मानी गई है। और इसमें कह रहे हैं मतलब इसमें जो है बहुत जनों ने अपनी जानें वगैरह गवाई हैं और बहुत ही जनों ने यहाँ पे सुसाइड वगैरह किए हुए हैं और बहुत ही खौफनाक नहर है। यहाँ पे रात को आने से हर कोई डरता है कि यार नहर ही इतनी खौफनाक है तो रात को कौन आएगा। और इधर देख लीजिए यहाँ पे जो बकरी वगैरह चरा रहे हैं, देखो भाई ये बकरी वगैरह चरा रहे हैं अंकल जी। प्यारा सा छोटी सी क्लिप बनाई है वो आपको दिखाता हूँ। ओके गाइस चलें। फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं आगे, वहाँ पे जो है रेल की पटरी की पुल बनी हुई है वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर वहाँ से ट्रेन गुजरती हुई तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, अगर ट्रेन ना गुजरी तो ऐसे ही आपको पुल दिखाया जाएगा, ठीक है। तो बने लीजिए इस वीडियो में, बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाली है। ओके गाइस तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे पुल के, जो आपको वहाँ से पुल दिखाया था वहाँ पे अभी मैं पहुँच चुका हूँ। अभी यहाँ पे आगे जाते हैं थोड़ा संभल के, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन वगैरह कभी भी आ सकती है, ठीक है। अभी ये देख लो पीछे वो जस गुरदीप सिंह तो वहाँ पे गई, और ये देखो गाइस वो जा रहे हैं, ठीक है। और इधर देखो कितना ही लाजवाब व्यू आ रहा है, ठीक है। और देखो गाइस कितना ही सुंदर यहाँ पे जो है जो ट्रेन का जो पुल बना रखा है यानी कि ब्रिज होता है वो, और कितना ही लाजवाब जो है व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का, अगर ट्रेन आती है तो आपको ट्रेन का भी व्यू दिखाएंगे, ठीक है। ट्रेन कैसे निकलती है यहाँ से वो भी आपको दिखाएंगे। ओके गाइस तो यहाँ से जो है ये देखो बाइक जा रही है, वो ये नीचे से होकर जाती है, ठीक है। देख लीजिए आप ये नीचे से होकर जाएंगे, ये देखो गाइस कैसे निकल रही है बाइक वाले। और उधर चढ़ रहे हैं वो जसूर गुरदीप, ये देखो जसूर गुरदीप जा रहे हैं। तो फ्रेंड मैं भी अब वहाँ पे जा रहा हूँ ऊपर ब्रिज के ऊपर, ठीक है। और पूरा देख के जा रहा हूँ, मतलब ट्रेन को इधर से भी उधर से को भी देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी अब ब्रिज के ऊपर जा रहा हूँ, आपको वहाँ से ब्रिज के ऊपर से अब जो है मैं दिखाऊँगा कि कैसी नहर दिखती है इस। तो मैं चलता हूँ अभी, क्योंकि वो भी बुला रहे हैं मुझे। ओके गाइस तो चलते हैं अभी वहाँ पे। तो फ्रेंड ये देख लीजिए कितना ही शानदार व्यू यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब ट्रेन का कोई पता नहीं होता, ठीक है। और वहाँ पे खड़े हैं जस और दीप सिंह। और इधर देखिएगा इस कितना ही भयानक नहर है, ठीक है, कितनी ही भयानक नहर है, ये देख लीजिएगा इस आप। और एक कितनी ही चौड़ी और इसकी जो गहराई है वो आपको अभी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन बता सकता हूँ इसकी जो गहराई है कम से कम 100 से ऊपर है, ठीक है। ये खड़े हैं जस और गुरदीप सिंह, इधर का व्यू आप देख लीजिए कैसा है, ठीक है। ये नहर मानी पर मानी है, ठीक है, बहुत ही फेमस नहर है ये वाली। और इधर ये देख लें क्या कर रहे हैं, हाँ जी क्या कर रहे हो, फोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है। देखो गाइस यहाँ से देखो आप, यहाँ से मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ, ये देखो कितनी ही भयानक ब्रिज है। देखते हैं गाइस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो फ्रेंड देखते हैं ट्रेन का वेट अभी कर रहे हैं हम, इतने हम जो है फोटोग्राफी थोड़ा सा कर लें, ठीक है। फिर अगर ट्रेन आती है तो ट्रेन भी दिखाएंगे, वरना यहाँ से निकल जाएंगे हम, ठीक है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके तो सॉरी गाइस क्या हुआ, अभी जो है ट्रेन तो आई नहीं, काफ़ी समय हो गया हमें वेट करते करते, देखो पसीना भी आ रहा है। और ट्रेन का वेट वो काफ़ी कर लिया, लेकिन ट्रेन नहीं आई अभी तक। हमने ऐप से भी देखा था, लेकिन ट्रेन का टाइम अभी लगभग एक घंटा लेट आएगी ट्रेन, तो इसलिए हम यहाँ से निकल लिए, ठीक है। देखो छिंदर गुरदीप भी वहाँ पे जा रहे हैं, और इधर हमारा बाइक खड़ा है, ठीक है। और इधर देख सकते हो आप राजकनार नहर है, और इधर ये खड़े हैं दोनों लौंडे, ठीक है। और इधर देखो कैसा सुंदर व्यू है, ये सबसे फेमस नहर है। इधर कुछ लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता किस लिए होता है, किसको पता हो तो वो बता दे, ठीक है। और इधर देखो कितना सुंदर जो ब्रिज बना रखा है। ओके गाइस उधर देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पे देखो फोटोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफर सुंदर सिंह है और जो मॉडल हमारा ये है बिल्ला सिंह। तो गाइस अभी हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अभी हम ट्रेन तो आई नहीं, आपको बता दिया मैंने फ़िलहाल, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो देखते हैं आगे जाके कुछ और चीज़ देखने के लिए मिलेगी तो वो आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है हमारे साथ आगे, ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं आगे जाके, ओके। और उधर देख लीजिए गाइस कुछ और लड़के यहाँ पे आ रहे हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, यहाँ पे फ़ोटोग्राफी होती रहती है, ठीक है। देखो गाइस इधर जो है नहर है, बहुत भयानक नहर है, उधर और भी जो है यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब या तो कुछ काम आ रहे होंगे, और यहाँ पे यह ना यात्रा वगैरह भी चल रही है तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से शॉर्टकट है, रास्ता सीधा वहाँ से ही निकलता है, लोग वहाँ पे जा रहे हैं। इधर हमारी फ़ोटोग्राफर कितने दिन से चल रही है, पता नहीं क्या करके मानेंगे ये।